नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा भाजपा शासन में अपराध का गढ़ बना छत्तीसगढ़, विष्णुदेव शाह की सरकार छत्तीसगढ़ में अपराध को रोकने में नाकामयाब। लगातार नक्सली हमला, आम ग्रामीण जनों को नक्सली बताकर पुलिस मौत के घाट उतार रही है। मॉब लीचिंग सहित बलौदा की घटना पर चर्चा करते हुए कहा छत्तीसगढ़ की जनता प्रशासन तंत्र से परेशान है। विष्णुदेव जी की सरकार जब से आई है तब से प्रदेश में सभी स्थानों की घटना बढ़ गई। बस्तर में नक्सलियों के नाम से अपराध गांव वालों को मारा जा रहा है। अब लोग जबरन के उनको तमंचा कट्टा उल्टे सीधे वेपन्स लगा के उनको अपराधी घोषित कर रहे हैं, गांव के लोगों को मार रहे हैं। शहर के नज़दीक अनेक घटनाएं हो रही हैं। मॉब लिंचिंग जिसको अभी कहते हैं एक हुआ है, गौ तस्कर भैंस लेके जा रहे थे, अभी अभी हुआ है आपके आरंग के पास, और उसमें भी जो उन्हीं के दल के लोग हैं उनका नाम आ रहा है। 10 तारीख को जो घटना हुई है बलौदा बाजार में, अगर फोटो देखें तो उसमें गमछे के रंग से समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्टी के हैं। तो इनको एक सीधा साधा आदिवासी समझ के जो बनाया गया है वो उसके विपरीत यहाँ पर हिंसा बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं जो उचित नहीं है। इनको चाहिए कि अपना पराया छोड़ करके पूरा कानून व्यवस्था में ध्यान दें और इस सरकार को बेहतर चलाएं, ये हम सबकी मंशा है। अगर आए हैं तो 6 महीने ही ना रहें, कम से कम 1-8 साल रहें, उसके बाद जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाजपा जो कहती है, मतलब कह रही है कि मतलब कांग्रेस जो अफवाह फैला रही है, और कांग्रेस के अभी दयाल दास बघेल का एक बात आया है कि कांग्रेस का इस घटना में हाथ है बलौदा बाजार वाले में। देखियो, दयाल दास बघेल मंत्री हैं, मंत्री को वो बयान देने का काम नहीं है। सरकार के मंत्री हैं तो कार्रवाई करें, जो जो दोषी उस पर कार्रवाई करें, जो भी दोषी। अगर बयान देना है तो जनता पार्टी के लोग दें, भाजपा के लोग दें, ये सब चलता है, मगर मंत्री बयान देने के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हैं। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि मंत्री होने के नाते वो सरकार हैं और सरकार को काम करने का अधिकार है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है, यानी जिस प्रकार से पुलिस द्वारा उस दिन की घटना को लेकर जो सतनामी समाज के व्यक्तियों को पीटा जा रहा है, थाने के अंदर लाकर क्रूरता हुआ, इस पर क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने देखा वहाँ कि बहुत सारे हमारे सतनामी भाइयों को, बहुत सारे दिगर जाति के भाइयों को, तमाम जो बलौदा बाजार में आए थे उनके साथ मारपीट की घटनाएँ हुई हैं, तोड़फोड़ हुई है, गाँव में भी आतंक मचाया गया है। ये एक ही समाज के नहीं, सर्व समाज के लोगों को वहाँ परेशान किया जा रहा है, ये बिल्कुल अनुचित है। ये छत्तीसगढ़ हमारे शांति का टापू है, हमारे यहाँ सौहार्द की बात होती है, हमारे यहाँ भाईचारे की बात होती है, बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों की बात होती है, हमको एक रहने की बात सिखाई जाती है। उसके बाद उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के ज़िले में इतना ज़बरदस्त आतंक का माहौल बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फेलियर है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए या उनको इस्तीफा स्वयं दे देना चाहिए। भाजपा कह रही है, विष्णुदेव बोलती है कि हम स्वच्छ छत्तीसगढ़ में साफ सुथरी और स्वच्छ सरकार देंगे। अभी तक तो देख रहे हैं, अभी तक 6 महीने तो नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, कहीं ना स्वच्छ मिल रहा है ना कहीं सुथरा मिल रहा है। सब जगह गंदगी का वातावरण है, अशांति का वातावरण है, हिंसा का वातावरण है, आतंक का वातावरण है, यही सब वातावरण बढ़ रहे हैं जिसे स्वच्छ शासन नहीं कहा जा सकता।